ये अर्ली 90s का स्ट्रक्चर आप 2021 में देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त, वाह क्या बात है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर एक कुआं है, और आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में जो सिंचाई होती थी खेतों की वो कुएं से होती थी और लोग पानी भी पीते थे कुएं का। तो ये वही कुआं है जिससे खेतों की सिंचाई होती थी। तो इससे कैसी सिंचाई होती थी वो आज आपके लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइस मेरी आँख लाल हो गई है, आई फील हो चुका है। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिएगा, ये है कुआं और काफ़ी गहरा कुआं है ये गाइस। और अभी इसकी जो है किनारे पे एक पीपल का बहुत ही विशाल पेड़ है, और यहाँ पर आपके लिए दो इंगल दिख जाएंगे। देखिएगा एक ये है और एक वो है जो कि जड़ों में फंस चुका है। इन इंगलों का क्या यूज होता था गाइस वो मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। तो गाइस इन इंगलों में जो आपके लिए छेद दिख रहे हैं ये वाले, इनमें गाइस एक सरिया टाइप में पड़ी होती थी और ये इंगल पे एक चकड़ी लगी होती थी थोड़ा आगे इस तरीके से करके, और उस चकड़ी पे जो है क्या होता था बाल्टियाँ चलती थी जो आपके लिए पहले कुछ इस तरीके से देखिएगा वीडियो में। इस तरीके से पहले जो है कुएं से पानी निकाला जाता था खेतों की सिंचाई के लिए। तो इस यहाँ पर भी इन इंगलों पे जो है इधर के लिए करके बाल्टियाँ टंगी होती थी, बाल्टियाँ टाइप वो नीचे जाती थी खाली बाल्टियाँ, और जो भरी हुई बाल्टियाँ आती थी और उसी उन्हीं बाल्टियों के नीचे एक मतलब हौदिया या फिर हम कह सकते हैं नाली टाइप में बना हुआ था। और उस नाली के द्वारा जो है खेतों में पानी चला जाता था। और इसे चलाने के लिए गाइस इसके चारों ओर अभी देखिएगा आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ फूस दिख रही होगी, लेकिन ये सब कुछ साफ़ होता था। और फिर इसके बाद में इसके चारों ओर एक बैल या फिर कोई भी इसे घुमाता था, बैल या फिर भैंसा जो भी होता था वो इसे घुमाता था, और जो चकड़ी थी वो घूमती थी, और उसके बाद में फिर जो बाल्टियाँ घूमती थी वो नीचे जाती थी खाली और भरी हुई ऊपर आती थी, और जो पानी आता था वो नालियों में गिर जाता था। तो अभी यहाँ पर जो है सिर्फ इंगल रह गए हैं, सारी चीज़ें जो है यहाँ से मतलब हटा ली गई हैं। इंगल इसलिए नहीं हटाए हैं क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से इसकी जो है ज़मीन में दबे हुए हैं, इसीलिए इनके लिए नहीं हटाया गया है। और बकाए जो भी सारी चीज़ें थी वो हटा ली गई हैं। और अभी ये कुआं में जो है पानी भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सूख चुका है। देखिएगा आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा कुआं है, इसमें जो है पीपल की जड़ें भी नीचे तक पहुंच चुकी हैं, और काफ़ी पुराना कुआं है ये। और गाइस अभी तो आप सभी के लिए पता होगा अब इंजन का ज़माना आ गया है, और इंजन का भी अब ज़माना ख़त्म होने वाला है। अब तो ट्यूबवेल भी चल गए हैं क्योंकि आदमी जो है किसान जो है वो अपने खेत पर ही ट्यूबवेल कराते हैं और लाइट से जो है अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा बराबर में एक हौदिया है जो कि इंजन यहाँ पे चलता है, तो अब इसी से भराई होती है। कुएं का जो सिस्टम है वो तो काफ़ी सालों से बंद ही है, लेकिन पहले इसी कुएं से सिंचाई होती थी हमारे खेतों की। तो अभी जब इंजन से सिंचाई हुई तो हमने वहाँ पे एक हौदिया बनवाई, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें ट्यूबवेल ही लगा लें। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।